हरदोई में मौसम के बदलते परिवेश के साथ बीमारियों का भी सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते कई गंभीर बीमारियां इंसानी शरीर को घेर रही हैं, जिसका लेकर जिला अस्पताल प्रशासन चौकन्ना है। कई संक्रामक बीमारियों को देखते हुए डॉक्टरों को वरीयता से मरीजों को देखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लगातार रोजाना हजारों की संख्या में इलाज के लिए मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। CMS के मुताबिक रोजाना करीब 1.5 से 2 हजार मरीज इलाज कराने आ रहे हैं। डॉक्टर लगातार सामान्य मरीजों को देखकर उन्हें दवा लिख रहे हैं और गंभीर मरीजों का डॉक्टरी परीक्षण कर जांच कराई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए इमरजेंसी में भर्ती कराया जा रहा है। इस समय तेज गर्मी और मौसम बदलाव के कारण जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त के मरीज की संख्या बढ़ी हुई है। जिला अस्पताल प्रशासन लगातार मरीजों के इलाज के लिए सजग है। लगभग 1500-1600 तो नए मरीज हैं और कुछ पुराने मरीज लगभग 400-500 को मिला के लगभग 2000 मरीजों का आना जाना हो रहा है। उसमें अधिकतर बुखार के, जुखाम के और दस्त के मरीज आ रहे हैं, जिनका OPD में चिकित्सकों द्वारा देखकर उचित इलाज किया जा रहा है और कोई गंभीर मरीज होता है तो उसको तुरंत भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है।